संस्कार भारती डोईवाला के 23वें हास्य कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को गुदगुदाने का काम किया। मुख्य अतिथि राज्य के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 6 लोगों को सम्मानित किया। होली का पर्व हमें मन से घृणा और द्वेष को मिटाने का संदेश देता है। हास्य कवि सम्मेलन की शुरुआत कवित्री महिमा श्री ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत करके की। उन्होंने अपनी रचना फूलों की क्यारी नहीं हूँ मैं अपने दम पर जीती हूँ भारत की नारी के माध्यम से नारी शक्ति की महानता को बताया। युवा कवि श्रीकांत श्री ने वीर रस से ओतप्रोत कविता बलिदानों की परंपरा का पन्ना खोल रहा हूँ, सुनो दुनिया वालों भारत बोल रहा हूँ, इसे सुनाकर जमकर तालियां बटोरी। रुड़की से आए कवि राजकुमार राज ने हद है कि हद के बाहर जाने नहीं देती सुनाई। कवि योगेश अग्रवाल ने जीवन की उमंग को बनाए रखने के लिए कभी उदास हो जाए तो मेरी खुशी मांग लेना सुनाकर वाह वाही बटोरी। वरिष्ठ कवि रोशन लाल हरियाणवी राघवेंद्र गौर देवेंद्र सिंह मालूम ने भी अपनी हास्य रचनाओं से लोगों को हंसाने का काम किया। नवभारत समाचार डोईवाला उत्तराखंड से आरती वर्मा की रिपोर्ट। संस्कार भारती डोईवाला है। पिछले 23 वर्षों से कवि सम्मेलन और विशेषकर होली जिस दिन फाग खेलते हैं उसके शाम को रखता है। हर आदमी जब खेल के आता है जश्न मना के आता है उत्साह मना के आता है और खेलने के बाद एक जिज्ञासा रहती है शाम को हम क्या करें। ऐसे में संस्कार भारती पिछले 23 वर्षों इस कार्यक्रम को कर रहा है। पहले तो मैं संस्कार भारती को बहुत साधुवाद दे रहा हूँ, कवियों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ, यहाँ की जनता को विशेष बधाई दे रहा हूँ कि जिनके माध्यम से सुंदर कार्यक्रम यहाँ होता है। और आप देखिए कि जिस काव्य सम्मेलन में जहाँ राष्ट्रभक्ति के भावनाएँ उसमें थी, जहाँ देशभक्ति की भावनाओं के साथ साथ कव्य जो धार्मिक भावनाएँ थी, अन्य तमाम हास्य कवि इसमें मौजूद थे, यानी कि हर तरह से गुदगुदाने का काम कवियों के माध्यम से जनता का हुआ। और वास्तव में ये कुछ ऐसे समा होते हैं जब हम लोग अपनी थकान को मिटाने के लिए ऐसे आयोजनों को हम लोग करते हैं। मैं इसके लिए उनको बधाई दे रहा हूँ और सभी को होली की और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दे रहा हूँ।